हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं MSME मंत्री श्री नितिन गडकरी ने NHIDCL द्वारा खरीदी गई बेसिक केयर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं MSME मंत्री श्री नितिन गडकरी और सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल रिटायर्ड VK सिंह ने 7 अप्रैल 2021 की सुबह नई दिल्ली में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 बेसिक केयर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रतिदिन 415 मौतें होती हैं। अगर घायलों को दुर्घटना के तुरंत बाद बुनियादी चिकित्सा इलाज उपलब्ध करवाया जाए तो लगभग 40% जिंदगियों को बचाया जा सकता है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को स्थिर करने में बुनियादी जीवन रक्षक सहायता प्रणाली के साथ एम्बुलेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एम्बुलेंस का डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप चाहे वीडियो में देख सकते हैं। पहल की गई एम्बुलेंस को NHIDCL द्वारा, एम्बुलेंस का निर्माण किया गया मेसेस टाटा मोटर्स द्वारा। NHIDCL द्वारा खरीदी गई एम्बुलेंसों की संख्या 90 है। एक एम्बुलेंस की लागत 20.70 लाख रुपए प्लस GST के साथ 90 एम्बुलेंस की कुल लागत 18.63 करोड़ रुपए प्लस GST। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपी गई एम्बुलेंस अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, जिनमें से असम को चुनाव की वजह से शामिल नहीं किया गया है।